हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स्ड हक्का नूडल्स रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको दिल से धन्यवाद। चलिए हम ये रेसिपी शुरू करते हैं। मिक्स्ड हक्का नूडल्स बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन। मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है और लंबाई में पतला पतला करके काट लिया है। ये 200 ग्राम चिकन है और चिकन हमें मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, साथ ही डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, डालेंगे 1 टीस्पून विनीगर और डालेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस, और सभी चीज़ों को अच्छे से पहले मिला लेंगे। फिर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और मैरिनेट कर देंगे। अब हमें चाहिए प्रॉन्स। प्रॉन्स भी हमने लंबाई में काट लिया है, 100 ग्राम प्रॉन्स लिया है और अभी मैरिनेट कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून विनीगर डालेंगे, 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे और फिर से एक साथ में मिला लेंगे, और आधा चम्मच कॉर्नफ्लावर देके मैरिनेट करके रख देंगे। अब हमें एक सॉस रेडी कर लेना है। इसके लिए हमने डाला है 1 टीस्पून विनीगर और डालेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस, साथ ही डालेंगे 1/2 टीस्पून टमाटर सॉस और डालेंगे 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, और सारे सॉस को एक साथ में मिला के हम रेडी कर लेंगे। अब हमें पहले नूडल्स बॉईल कर लेना है, इसीलिए कढ़ाई में ज़्यादा करके पानी लिया है और गुनगुना कर लिया है। अब हम डालेंगे नमक और तेल और अच्छे से पानी में मिलाएंगे, फिर डालेंगे नूडल्स। मैंने लगभग 300 ग्राम नूडल्स लिया है और हमें नूडल्स बॉईल कर लेना है। हमें नूडल्स देखिए इतना ही बॉईल करना है कि हाथों से प्रेशर देने के बाद नूडल्स टूटे, और फिर गर्म पानी ड्रेन कर देंगे। अब ठंडा पानी से धो के नूडल्स ठंडा कर लेंगे, फिर पानी अच्छे से ड्रेन करेंगे, उसके बाद तेल नूडल्स में अच्छे से मिला देंगे। इस तरीके से हमें नूडल्स रेडी कर लेना है। अब हम पहले डालेंगे तेल और तेल अच्छे से गर्म करके डाल देंगे मैरिनेटेड चिकन। बोनलेस चिकन है, जल्दी से फ्राई हो जाएगा। एक मिनट के अंदर चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम चिकन उठा लेंगे एक बोल में। अब हम प्रॉन्स भी फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा तेल डाल के प्रॉन्स फ्राई कर लेंगे। प्रॉन्स अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम एक बोल में उठा लेंगे। अब हम फ्राई करेंगे अंडा। मैंने 2 अंडा लिया है और थोड़ा सा नमक डालेंगे। आप चाहे तो काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और अंडा भुजिया हम थोड़ा सॉफ्ट करके ही फ्राई करेंगे। अंडा ज़्यादा फ्राई हो जाने से हार्ड हो जाता है, नूडल्स में सॉफ्ट अंडा फ्राई अच्छा लगता है। अंडा अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम एक बोल में निकाल लेंगे। अब हमें कुछ वेजिटेबल फ्राई कर लेना है, इसीलिए 2 चम्मच तेल डाला है और तेल अच्छे से पहले गर्म कर लेंगे। पहले हम डालेंगे प्याज। प्याज हमने फाइनली चॉप्ड कर लिया है, ये 1 प्याज हमने लिया था। प्याज हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब हम डालेंगे लहसुन। मैंने 3 लहसुन फाइनली चॉप्ड कर लिया है। थोड़ा सा लहसुन प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन का कच्चा स्मेल चला जाए। अब हम डालेंगे एक बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, साथ ही डालेंगे थोड़ा सा पत्ता गोभी, थोड़ा सा गाजर और थोड़ा ज़्यादा करके डालेंगे कैप्सिकम। आप अपने पसंद के हिसाब से वेजिटेबल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमें वेजिटेबल थोड़ा सा ही फ्राई करना है ताकि कलर और क्रंच बरकरार रहे। फ्राई करते टाइम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक आप टेस्ट करके डालें और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से वेजिटेबल के साथ मिला लेंगे। और अब हम डालेंगे फ्राई किया हुआ चिकन, प्रॉन्स और अंडा और एक साथ में मिला लेंगे।
अब हम नूडल्स भी डाल देंगे। और ऊपर से डालेंगे जो सॉस हमने रेडी किया था। ये सॉस आप ज़रूर डालें, तभी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और आपको जैसे आसान लगे उसी तरीके से सभी चीज़ों को एक साथ में मिला के 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। देखिए सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला के 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं सर्व कर दे रही हूँ ये मिक्स्ड हक्का नूडल्स। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोगों को ये नूडल्स रेसिपी? आप अपने घर में ट्राई करें और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करें कमेंट करके। फिर मिलती हूँ किसी और रेसिपी के साथ, तब तक मेरे चैनल को देखते रहे। धन्यवाद।